अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको आज लुलिकोनाजोल क्रीम IP 1% के बारे में थोड़ी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। ये क्रीम फंगल इन्फेक्शन की कंडीशन में इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों, जिसका नाम है लुलिकोनाजोल क्रीम IP 1%, और ये लुलिलेप क्रीम नाम से भी जानी जाती है दोस्तों। इसका जो असली नाम है लुलिलेप नाम से जानी जाती है दोस्तों। इसकी कीमत 140 रुपये है दोस्तों, ये देखिए इसकी कीमत मात्र 140 रुपये है और ये 30 ग्राम की है दोस्तों। ये कोई भी मेडिकल के ऊपर बड़े आसानी से मिल जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये खास करके फंगल इन्फेक्शन, दांत, खाद, खुजली, इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ये फंगल इन्फेक्शन के लिए काफ़ी अच्छी है, बहुत बेस्ट है, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट है दोस्तों। और ये दोस्तों ये क्रीम डॉक्टर की सलाह से दी जाती है दोस्तों। डॉक्टर देते हैं इसे, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं दोस्तों इस क्रीम को। तो आप प्लीज़ पहले इसको लगाने से पहले आप डॉक्टर से पूरी जानकारी हासिल करें, तभी आप इसका इस्तेमाल करें दोस्तों। इसके ऊपर दोस्तों इसके कोई ज़्यादातर हार्मफुल नुकसान वगैरह नहीं है दोस्तों, लेकिन ये नुकसानदायक क्रीम है बट इतने हार्मफुल के नुकसान नहीं है दोस्तों। इसको आपको आँखों के नीचे बिल्कुल भी यूज़ ना करना है, फेस के ऊपर इसको बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिए दोस्तों। अगर आपको फेस के ऊपर किसी भी जगह फंगल इन्फेक्शन हो चुका है या खुजली आ रही है तो दोस्तों बिल्कुल आप इस क्रीम को ना लगाएं दोस्तों, फेस के ऊपर इसे बिल्कुल ना लगाएं दोस्तों, ठीक है। और ख़ास तौर से इसे बच्चों से दूर रखिए दोस्तों, इस क्रीम को ख़ास तौर से बच्चों से दूर रखिए दोस्तों। इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लुलिकोनाजोल है, क्रीम बेस है, और इसमें मिथाइल पाराबिन है और बेंजाइल अल्कोहल वगैरह है दोस्तों। ये कॉम्पोजिशन उसके अंदर कितने परसेंट इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, ये सब यहाँ पर उसके ऊपर मेंशन किया गया है दोस्तों, ठीक है। और इसको जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है दोस्तों, बनाती है, देखिए यहाँ पर इसकी कंपनी का नाम है, इंडिया की कंपनी है लिबेन नाम की, ये कंपनी इसको तैयार करती है, बनाती है दोस्तों, ठीक है। और इसको एक्सटर्नल यूज़ करना है दोस्तों, इसके साथ कोई भी यूज़ ना, दूसरी कोई क्रीम यूज़ ना कीजिए, सिर्फ ये आपको जो फंगल इन्फेक्शन की कंडीशन है, दांत खाद है, खुजली है, तो उसमें आप ये इसका इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। ये डॉक्टर की सलाह से दी जाने वाली क्रीम है दोस्तों, ठीक है। इसको ओपन करता हूँ दोस्तों, को जो लगाने का जो तरीका है दोस्तों, आप सबसे पहले एक कपड़ा लीजिए, साफ कपड़ा लीजिए, और गिल्ले कपड़े से आपका जो भी फंगल इन्फेक्शन है उसको अच्छी तरह से साफ कीजिए, या फिर आप कपास भी इस्तेमाल कर सकते हो, कॉटन ले सकते हो, और उसके साफ कीजिए पहले हल्के हाथ से, ऐसा नॉर्मली उसको साफ करना है दोस्तों, और उसके ऊपर इस क्रीम को अप्लाई करना है दोस्तों, ठीक है, रात में। और इसको सिर्फ रात में लगाए दोस्तों, इसको रात में लगाए, सिर्फ एक ही टाइम लगाना है दोस्तों, रात में इसको यूज़ कीजिए। और आपका जो भी खुजली है या फिर आपको फंगल इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चट्टे हो चुके हैं या फिर आपको जांघों में खुजली है तो आप इसको जांघों में भी लगा सकते हो दोस्तों, बट इसका जो सही तरीका जो लगाने का है, आप फंगल इन्फेक्शन की कंडीशन में अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको अगर जांघों के अंदर खुजली है दोस्तों, तो वहाँ की जगह को अच्छी तरह से साफ कर ले दोस्तों, थोड़े नॉर्मल गिल्ले कपड़े से अच्छी तरह से, या फिर कार्टून वगैरह कपास वगैरह से अच्छी तरह से उसको साफ कर ले, उसको सूखने दे, उसके बाद इस क्रीम को ऐसा नॉर्मली लेकर हल्के हाथ से पूरी अच्छी तरह से अप्लाई करें दोस्तों, पूरे इसको इन्फेक्शन की जो जगह है उसके आस थोड़ा ज़्यादा आसपास ना लगाएं, जितना फंगल इन्फेक्शन हुआ है उससे थोड़ा दूर ऐसा पूरा उसको कवर करें दोस्तों, पूरी तरह से इसको कवर करें दोस्तों। और इसको रोज़ाना आपको रात में लगाना है दोस्तों, और मॉर्निंग में उठकर आपको दोस्तों अच्छी तरह से पानी से पहले वॉश कर ले उसको, जहाँ आपको फंगल इन्फेक्शन है उसको गर्म पानी से अच्छी तरह से थोड़ा सा वॉश कर ले, फिर उसको सूखने दे, और उसके बाद दोस्तों आप फिर कोई डिटॉल वगैरह से उसको साफ कर सकते हो दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपको 5 से 6 साल पुरानी खुजली है या फंगल इन्फेक्शन, दांत खुजली जो भी है दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों आप है ना डॉक्टर से बात कीजिए, डॉक्टर से मुलाकात कीजिए। ये जो भी परेशानी है दोस्तों, आप एक डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन डॉक्टर्स के पास जाइए और उसको बताइए दोस्तों, ये जो भी मेडिकल पे ये क्रीम गोली दवा खाने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला दोस्तों। असल में आपको सारी जानकारी, असली गोली दवा जो भी है इसकी मेन, अगर जड़ से ख़त्म करना है दोस्तों, तो आपको एक डॉक्टर ही बता सकता है। आप डॉक्टर से मिलिए दोस्तों, डॉक्टर आपको पूरी तरह से आपके फंगल इन्फेक्शन को किस तरह से हटाना है, किस तरह उसको हमेशा के लिए ख़त्म करना है, तो वही आपको सही जानकारी देगा दोस्तों।
ठीक है। तो फंगल इन्फेक्शन दोस्तों बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि कुछ हद तक का इसका ठीक हो जाता है, किसी का कुछ हद तक का ठीक हो जाता है दोस्तों, बट क्रीम, ये क्रीम वगैरह लगाना बंद कर देते तो फिर से वो स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, फिर से वही कंडीशन शुरू हो जाती है, फिर से दांत खाद खुजली, बार बार खुजली आना दोस्तों, फिर से वही कंडीशन शुरू हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको जांघों के अंदर खुजली है तो बिल्कुल बिल्कुल भी आप अंडरवेयर ना पहने दोस्तों, नॉर्मली नाइट पैंट वगैरह आप पहन सकते हो दोस्तों, सिर्फ ऐसे ढीले ढीले कपड़े पहनना है दोस्तों आपको, और उस जगह को बार बार आपको साफ करना है, और ना बिल्कुल ना रगड़े दोस्तों उसको, जहाँ आपको फंगल इन्फेक्शन है जांघों वगैरह में वहाँ बिल्कुल भी ना रगड़े दोस्तों उसको, हल्के हाथ से साफ करना है, और दोस्तों उसको ये क्रीम ज़रूर लगाए दोस्तों, तो आपके इसको रिजल्ट बहुत, इसके जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छे दोस्तों, 2 से 3 दिन के अंदर ये फंगल इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक का कवर कर दे रहा है दोस्तों, बट इसको आपको थोड़ा लॉन्ग टाइम तक का लगाना है, कम से कम 2 से 3 महीने इस्तेमाल कीजिए दोस्तों आप इस क्रीम को, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन इतनी जल्दी कवर नहीं होता दोस्तों, धीरे 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 हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन मानो एक ऐसी कंडीशन है जैसे दोस्तों वो इसकी फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी कंडीशन है दोस्तों, जैसे वो स्किन से प्यार करता है दोस्तों, इसी तरह से वो ऐसा चिपको रहता है दोस्तों ये फंगल इन्फेक्शन का केस। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा दोस्तों, आप प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए, कोई भी डर्माटोलॉजिस्ट, ये स्किन डॉक्टर है, जो भी चमड़ी का डॉक्टर है, आप उनके पास जाइए, आपकी सारी समस्या बताइए दोस्तों, क्या कारण है, क्या वजह है, आपको सब डॉक्टर ही बताएगा दोस्तों। इसको परमानेंट अगर आपको ठीक करना है दोस्तों, आप थक गए गोलियाँ दवा खा खा के दोस्तों, क्रीम लगा लगा के परेशान हो चुके हैं दोस्तों, खुजा खुजा के परेशान हो चुके हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर ही आपको सही इसका इलाज बताएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फंगल इन्फेक्शन की जो भी टैबलेट रहती है दोस्तों, जो इट्राकेनाजोल नाम से आती है दोस्तों, तो उसकी जो कैप्सूल है दोस्तों बहुत महंगी रहती है दोस्तों, 25 रुपये की एक एक टैबलेट आती है दोस्तों इसका, मेडिकल के ऊपर जो भी लोग ऐसा बाहरी मेडिकल की गोली दवा खाते हैं फंगल इन्फेक्शन वगैरह के लिए, तो बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिए दोस्तों, आप डॉक्टर से पूरी जानकारी ले लें, डॉक्टर को बताएं दोस्तों आपकी जो भी परेशानी है, आपको जो भी मर्ज़ है फंगल इन्फेक्शन का, स्किन से रिलेटेड कोई भी मर्ज़ है दोस्तों, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से बात करिए, अच्छे डॉक्टर को बताइए दोस्तों, इसका कोई महंगा ट्रीटमेंट नहीं रहता दोस्तों, 2 से 3 हज़ार रुपये आपका खर्चा होगा दोस्तों, लेकिन आपको इंशाल्लाह पूरी तरह से राहत मिलेंगी, पूरी तरह से आपका फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे मेहरबानी करके दोस्तों, आपको जिसको भी फंगल इन्फेक्शन है प्लीज़ डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर को बताइए आपकी समस्या, आपको डॉक्टर ही पूरी जानकारी देगा दोस्तों, ये भी कोई ऐसे झोला छाप डॉक्टर को ना बताइए दोस्तों, कोई भी अच्छे जो स्किन का डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है दोस्तों, स्किन का जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसको बताइए दोस्तों, वही आपको सही देगा दोस्तों। और बिल्कुल भी कोई भी मेडिकल की दवा या फिर ऐसी कोई झोला छाप क्रीम वगैरह कोई बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिए दोस्तों प्लीज़, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन बहुत ही खतरनाक चीज़ है दोस्तों, एक दूसरे को फैलता है दोस्तों, अगर आपको है तो ना आपके कपड़े को इस्तेमाल करता है या शूज़ वगैरह पहनता है, कोई भी चीज़ आपकी दूसरा इस्तेमाल करता है दोस्तों, तो उसको भी होने के चांसेस रहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल भी एक दूसरे की चीज़ें ना इस्तेमाल करें प्लीज़, इससे ध्यान रखिए दोस्तों। और प्लीज़ दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ा आपके लिए आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, धन्यवाद।